मैं हूं कामरान अली और आप देख रहे हैं कामी व्लॉग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक मस्जिद के सामने खड़े हैं जिसको बूढ़ी मस्जिद का नाम दिया गया है। आए और हम आपको दिखाते हैं बूढ़ी मस्जिद में क्या हो रहा है, लोग कैसे इसकी इबादत करते हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। वैसे तो लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ लोगों को नमाज पढ़ने के लिए आना चाहिए। लोग यहाँ पे मनते मनते हैं और यहाँ पे सेरे बांधते हैं, देखते हैं और आपको मस्जिद के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं। ये बूढ़ी मस्जिद है, आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत पुरानी है। यहाँ पे लोग आते हैं महफिल में, जुमे में, जुमे के दिन इसका होता है इत्तमा। ये देखो, लोग तरह तरह की मन्नतें मानते हैं, लोग तरह तरह की यहाँ पे मन्नतें मानने आते हैं। देख लाभ रही इतनी इबादत करना, अल्लाह का घर है, पांच टाइम नमाज अदा करना, लेकिन लोगों ने ये देखो ना क्या कर दिया है, मनते मानते हैं यहाँ पे आके। ये क्या है, ये देखिए आप, माले बने हुए हैं यहाँ पे, सिरे पड़े हैं यहाँ पे, क्या यार, ये अगरबत्ती लगाई हुई है। खुदाया अब तो सीधे रास्ते पे आओ, ये अंदर से दिखाए नहीं यार। ये देखो लोग नमाज तो पढ़ते नहीं है लेकिन यहाँ पे आते हैं मनते मानते हैं कि मस्जिद सानू ए कर साडा ए कर यार, ये इबादत गाह है, लोगों ने पता नहीं की कर दिता। ए देखो ना यार, ए देखो, ए सिरे ने, ए हार माला की है यार। मुसलमान लोगों का काम है इत्थे इबादत करना, नमाज पढ़ो, लेकिन लोगों इनू इनकी पूजा करनी शुरू कर दी है। खुदाया सीधे राह ते आओ यार, की कर दे हो, मुसलमान नमाज पढ़ता है, ये नहीं कि इतने आके सजदे करो। ए वेखो पता नहीं की कुछ ना बने आया, कप पे ने मस्जिद कुरान में कप पे हुए, ये हाल पे ने की हाल कर दिता इन्होंने लोगों ने। दोस्त अली भाई ना है इसका, इसके कोल आया है। अली भाई की मस्जिद की हिस्ट्री है, कि ये केड़ा पिंड है यार। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, तुम आए तशरीफ लिया, सानू मौका दिता, असं तुहानू तारीख के बारे एक छोटी जी मस्जिद के बारे आगाह करिए, कित्थे वाकया इहदे नाल पिंड किहड़ा लगदा। ये जनाब 585 शेख कानू का पिंड है, उनके नाल ही 3-4 किलोमीटर से मस्जिद है, इनू एक बुढ़ी मस्जिद का नाम दिता गया। इतने हर जुमे में लोग अपनी मुराद लैके आंदा, कोई किसी किस्म की मुराद लैके आंदा। असं सिर्फ तुहानू इत्थे लियाण दा मकसद ये आ कि देखो जी, मैं तुहानू दिखा रहा, इतने लोग आते अपना सिरा बनते, कोई कहता सानू औलाद नहीं हो रही, कोई कहता जना मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी हो जाएगी, मैं इंज कराँगा, मैं इंज कराँगा। कुछ लोगों ने तकिए लाएन, कुछ लोग इतने किस किस्म के। सानू सिर्फ इस चीज़ तो असं लोगों को आगाह करना चाहते कि एक मस्जिद है, खुदा द्वारा इन मस्जिद की हद तक ही रखो, ना कि इनू एक दूसरा रुख दो। साढ़े तो अगे साड़ी आने वाले बच्चे भी यही समझे कि पता नहीं पूजागा ये की चीज़ है, लोग इतों मन्नता मनते और मस्जिद उन्होंने दिल्ली, ना कि यह मस्जिद है, इन्हों मस्जिद की हद तक रखो, इत लोग आन पाँच टाइम की नमाज पढ़न, ताकि असं नमाज पढ़न, साढ़े लोग अगे आने वाले साढ़े बच्चे भी नमाज पढ़न, साढ़े बच्चे भी इतने पाँच टाइम की नमाज पढ़न, तो बाद खुदा की जात तो मंगन, ना कि इसकी मस्जिद तो मंगन। अगह पूजा गाह की जगह बना देंगे, उत्ते आके मन्नत मनते, उन्हों की मन्नत पूरी होंगी है, फिर वह कहते जनाब सानू जो कुछ दिता सानू इन्हें दिता। खुदा द्वारा तुहानू देण वाली रब की जात है, सिर्फ एक अल्लाह की जात है, ये अल्लाह का घर है, इतने पाँच टाइम की नमाज पढ़ो, अल्लाह को मंगो, ना कि लोगों को एक जहल के बारे दसो, एक जहलीए की तरफ लैके जाओ। साडा काम से लोगों को दसना, शऊर देना, आगाह करना चाहते हैं कि अंदर एक कितनी खूबसूरत छोटी जी मस्जिद गांव के अंदर बनाई गई है। जनाब छोटी जी मस्जिद है, छोटा जि सीन हूँ, इतने आके लोगों ने की करना शुरू कर दिता है, कप रखे हुए बजाय इतने पुराने पाक की तालीम दो, इतने लोग कप रखने का की मकसद है, ऐसे सेरे टंगे चीज़ है। ऐ यार सानू इस चीज़ तो निकलना चाहिए, साढ़े सिर्फ इत्यान का मकसद यही आ कि असं तुहानू कोई दसीए एक ही चीज़ है, इन किस चीज़ का रुख दिता गया। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मंगो, ना कि इन्हू पूजा गाह। बड़े कमजोर की कौम है, अल्लाह असं उन्हें कुछ मनने हैं, ठीक है, इन्हू मस्जिद ही मस्जिद हक तक रखो। देखो जी इबादत गाह रस्सिया का की करना है, लोग किस किस्म की पूजा कर रहे, ये लान का की मकसद है, भी मस्जिद में आकर रस्से लावे सारी मुराद पूरी होगी। खुदा द्वारा इस चीज़ तू निकलो, लोगों की एक रस्म है। अरे भाई जुमे न
ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਾਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਇਹ ਤਕੀਏ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋੜਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਰੱਸੇ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।